He was one of the competitors in the most legendary show, Living on the Edge. उल्गे टेढ़ी हो जाती है। उल्गे टेढ़ी हो जाती है। मेरा तो उस टाइम पे भी ये सही से बन नहीं पाया था लोगों। जब मैं शो में गया तो पुकार ने पूछा कि क्या डेयर करेंगे। मैंने कहा मैं जी अपनी पैंट में आग लगाऊंगा। हाँ भाई बॉयज एंड गर्ल्स, क्या हाल चाल है। दिस इज योर बॉय मूसा खाना एंड वेलकम बैक येट टू अनदर व्लॉग। आज के एपिसोड का सीन बहुत मजे का है क्योंकि आज हम मिलने जा रहे हैं मिस्टर उजैर हसन से। ये मेरे साथ आए थे एक पुराने व्लॉग में, आपने देखा होगा जो मैंने साजिश मानी के साथ बनाया था, डे स्पेंडिंग विद हिम। उजैर जो है ही इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइंड नाउ एंड ही इज वेरी फेमस फॉर लाइक इंटरव्यूइंग अ लॉट ऑफ पीपल एंड इज अ वेरी गुड होस्ट एंड वेरी वेल नोन इन पाकिस्तान। तो मैंने कहा आज इनके साथ एक टाइम स्पेंड करते हैं। और उजैर भाई क्या हाल चाल है, थैंक यू फॉर कमिंग मैन। गुड टू सी यू ब्रो। गुड टू सी यू। आज आपके प्लान्स क्या हैं? एक तो मेरे साथ उन्होंने थोड़ा कंटिन्यू करना है, लेकिन अभी आपके प्लान्स क्या लग रहा है? आज हमारी एक पॉडकास्ट है, उसी की वजह से हम थोड़ा कोऑर्डिनेशन मुश्किल हो रही थी। हाँ। क्योंकि एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान इज ओवर हियर एंड एज यू नो कि पाकिस्तान यूएसए का मैच है, उसकी एक्साइटमेंट भी बहुत है। आज उनकी पॉडकास्ट है, देन वी हैव टू पॉडकास्ट टुमारो। तो आप मेरे साथ हैं, आज देखें क्या होता है। आज आज ब्लॉग पॉडकास्ट में जहाँ पे हम बात करेंगे उजैर भाई के साथ अबाउट हाउ ही स्टार्टेड हिज करियर एज अ सक्सेसफुल होस्ट, पाकिस्तानी होस्ट, एंड ही इज इंटरव्यूइंग दीज बिग नेम्स। जैसे अभी उन्होंने बात की, ही इज गोना इंटरव्यू एंबेसडर ऑफ पाकिस्तान टू यूनाइटेड स्टेट्स, सो सर्वड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ आजाद कश्मीर। यूएन पे बहुत स्पीचेस दी हैं उन्होंने। आई एम नर्वस एज वेल बिकॉज ही हिमसेल्फ इज अ वेरी गुड स्पीकर। सी हाउ इट गोस। बट बिफोर वी गो बॉयज एंड गर्ल्स, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब योर बॉय मूसा खाना एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब हिज चैनल मैक्सिम डिजिटल, राइट? या और इंस्टाग्राम मैंने यहाँ पे लगा उजैर भाई का और इंस्टाग्राम मैंने अपना भी लगा दिया, सो यू कैन फॉलो अस बोथ ओवर देयर टू। बॉयज एंड गर्ल्स, क्वेश्चन नंबर वन मूविंग फॉरवर्ड, एंड आई रियली वांटेड टू आस्क इट बिकॉज आई डिड नॉट माई सेल्फ न्यू दिस अंटिल मैंने तुम्हारे साथ वीडियो लगाई, तुमने खुद मुझे कभी बताया ही नहीं। ही वॉज वन ऑफ द कंपेटिटर्स इन द मोस्ट लेजेंडरी शो लिविंग ऑन द एज। ये वाला लोगो टेढ़ी हो जाती है। मेरा तो उस टाइम पे भी सही से बन नहीं पाया था लोगो। ये डांट पड़ी थी वकार का इस बात पे, यार तू लोगो नहीं बना सकता सही। वो लोगो वकार ने रखे ही इस वजह से था क्योंकि वकार सबसे परफेक्ट, वकार के अलावा कोई नहीं बना सकता। बचपन से यू सेड यू वर आउटगोइंग एंड यू वर वेरी कॉन्फिडेंट, हमेशा से तुम्हारी एक फायर थी ये वाली ना कि लोगों को होस्ट करने वाली, आउट फ्रॉम द क्राउड टू डू थिंग्स जो कि नॉर्मल बच्चे नहीं कर रहे होते। बट व्हाट मेड यू गो टू लिविंग ऑन द एज के ऑडिशन में? पहले ये क्वेश्चन होना चाहिए, हाउ यू एक्चुअली कन्विंस योर पेरेंट्स? या हाउ डिड यू टू दैट शो, हाउ डिड यू कन्विंस? या दैट्स अ गुड क्वेश्चन। आई यूज्ड टू डू डिफरेंट मोटिवेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स एट दैट टाइम। कराची में मोटिवेशनल ट्रेनिंग सेशंस स्टार्ट हुए थे विद सम ऑफ द वेरी गुड स्पीकर्स, उसमें उमर जालियांवाला, मखदूम सादी, मुर्तजा मेहदी, इस टाइप के स्पीकर्स थे जिनको स्टूडेंट्स सुनने आते थे। सो व्हाट आई रियलाइज, इनकी जो मेन फॉलोइंग थी वो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स थे एंड हमारी तरह एओ लेवल के स्टूडेंट्स थे जो कि बहुत ज्यादा आउटगोइंग नहीं थे, लेकिन उनको भी कुछ फन एक्टिविटीज करनी थी ड्यूरिंग देयर स्कूल लाइव्स एंड देयर यूनिवर्सिटी लाइव्स। सो हमने डिसाइड किया कि कोई ऐसा मिक्स कॉम्बिनेशन बनाया जाए जिसमें मोटिवेशनल ट्रेनिंग इवेंट्स के साथ साथ थोड़ी सी एंटरटेनमेंट भी हो। यहाँ पे तो आप ऑलरेडी देखते हैं टेड टॉक होती है जिस तरह, तो वो टेड टॉक एक एंटरटेनमेंट शो, मतलब समझ लें 3-4 प्रोग्राम्स का कोलैब था वो। दैट इवेंट यूज्ड टू लास्ट फ्रॉम 9 AM ऑनवर्ड्स टिल 8 PM। उसके अंदर उनका लंच भी होता था, हाई टी भी होती थी और मुख्तलिफ एक्टिविटीज होती थी। व्हाट आई डिड वाज, सबसे पहले आई डिसाइडेड कि लोग सेलिब्रिटी से बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। जब उनको हमने अपने शोज में बुलाया तो एट दैट टाइम दो सेलिब्रिटीज डोंट यूज टू चार्ज एनीथिंग क्योंकि उनके लिए भी नई चीज थी। पीपल यूज टू डू दैट फॉर फन एंड वॉलंटरली कर रहे होते थे एंड इतने इंथुजियाज्म के साथ कर रहे होते थे, सो वी गेट ऑल्सो वेरी एक्साइटेड ये देख के। लेकिन लेटर ऑन ये जो मॉडल है ये काफी दूसरे लोगों ने अडॉप्ट करना शुरू कर दिया जिन्होंने सिर्फ एंटरटेनमेंट डाल दिया इसके अंदर और जो मेन एसेंस था इस ट्रेनिंग प्रोग्राम का वो खत्म हो गया। उसके बाद आई डिसाइडेड कि ये वाली एक चीज है, वकार का शो आना शुरू हुआ। वकार से मुलाकात हुई थी ARY के स्टूडियोज में। मैं वकार को अप्रोच किया, मैंने और मेरी टीम ने। टीम उस वक्त क्या होती थी कि हमारे सारे दोस्त होते थे, उसको हमने रिस्पांसिबिलिटी दी हुई थी, तुम डायरेक्टर हो, मतलब इस तरह बच्चे लाइक गैराज में एक चीज शुरू करते हैं। बिल्कुल, एक को रिस्पांसिबिलिटी थी, ओके आपने जी वकार को अप्रोच करना है। एज यूजुअल वकार का हमेशा से ये रहा कि वो फौरन मना नहीं करता, लेकिन बाद में जो है वकार गायब हो जाता है जब मेन इवेंट वगैरह हो रहा होता है। कभी कभार होता है लेकिन होता जरूर है इस तरह की चीज। बहरहाल वो चीज हो नहीं पाई, लेकिन वकार ने रियलाइज किया कि एट दैट एज हम एक इस तरह की चीज कर रहे थे और उसको कॉन्सेप्ट समझ में आया। वकार वाज वेरी शार्प एट दैट टाइम, अभी भी है। आई हैव हर्ड ही इज अ वेरी गुड फ्यूचर इनसाइट। वकार जो चीजें कर रहा होता है उस वक्त लोग हंस रहे होते हैं, लेकिन 5-7 साल बाद जब वो चीजें हो रही होती है तो लोग बोल रहे थे तो करके वकार छोड़ चुका है। वकार ने फिर जब प्रोग्राम अपना करने लगा तो उसने बोला कि व्हाई डोंट यू ट्राई दिस प्रोग्राम, तो मैंने घर वालों से बात की
अपैरेंटली लास्ट सीजन था उस चैनल का, मतलब हमारा पहला कंसर्न था कि यहाँ पे जो लोग आते हैं दे आर वेरी अब्यूसिव, वो लैंग्वेज इस तरह की यूज करते हैं, वो तो गंदा वंदा सीन है। मेरा कंसर्न यही था कि देखिए मैं इस तरह की लैंग्वेज यूज नहीं करता हूँ, ना मैं इस तरह लड़ सकता हूँ, ना मैं किस इस तरह की बात कर सकता हूँ। तो वकार ने बोला कि लिसन, जो लोग आते हैं हम उनको कुछ बोलते नहीं है, ओरिजिनली जो लोग होते हैं वो अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, तो जैसे आप हो गए वैसे ही आप नजर आओगे। मेरी सिलेक्शन हो गई। वन ऑफ माय फ्रेंड वाज आल्सो इन द प्रोग्राम, मैंने उसे भी कन्विंस किया, मैंने कहा ओके, शी टुक पार्ट इन दैट प्रोग्राम, एंड उसको भी बड़ा मुश्किल मुझे कन्विंस करना था कि इस प्रोग्राम का पार्ट बनो। तो बहरहाल वो कन्विंस हुई, हमने प्रोग्राम किया। व्हाट वाज योर व्हेन यू वेंट टू द शो, व्हाट वाज योर, डिड ही गिव यू अ डेयर, कोई डेयर दिया उन्होंने कि भाई तुमने ये करना है? इतना कुछ लोग तो कहते हैं ना, मुंह में सांप डाल लो, ये कर लो, वो कर लो, बिच्छू खा लो, तो हो गया ना इस तरह से। देखिए वकार इज अ वेरी डेंजरस गाय इन टर्म्स ऑफ, अगर आप उसको उसके ऊपर छोड़ देंगे ना, हाँ, अगर आप वकार के ऊपर छोड़ देंगे कि वकार तुम बताओ डियर, सो आई न्यू कि वो कोई ऐसी चीज बताएगा कि आप नहीं कर पाएंगे। सो व्हाट आई डिसाइडेड वाज, मैं उस टाइम पे यूट्यूब पे गया, अपनी थोड़ी रिसर्च वर्क किया, ऐसा डियर के जो बहुत ज्यादा लीथल ना हो लेकिन उसके ऑप्टिक्स बड़े अच्छे हों। उस टाइम पे एक चीज आई थी, उसमें मैंने देखा एक यूट्यूबर ने अपने जो पैंट्स होती हैं या अपनी कोई जैकेट होती है उसके ऊपर वो बॉडी स्प्रे करते थे, उसके बाद लाइटर से आग लगा देते थे। वो लगाने के बाद जो है ना उसकी इंटेंसिटी इतनी नहीं होती थी, इट ऑल डिपेंड्स कि आप एक स्प्रे कर रहे हैं, ये नहीं आपने स्प्रे भर दिया, स्प्रे किया उसके ऊपर आग लगाई आपने, उसके बाद उसको हाथ से बुझा दिया। तो जब मैं शो में गया तो पुकार ने पूछा कि क्या डेयर करेंगे, मैंने कहा मैं जी अपनी पैंट में आग लगाऊंगा। सो यंग एट दैट टाइम, कभी उसको देख के हंसी भी आती है लेकिन कर लिया, दैट वॉज वकार जका। उसने बोला अच्छा ये जो बुझा रहे बुझाओ ने ये चीज हम सोच के नहीं आए हुए थे, और मैंने कौन सा अंदर थर्मल सूट पहने हुए थे, पैंट थी, लेकिन कोई ऐसा डैमेज कुछ हुआ नहीं, वो आग अपने टाइम पे बुझी एंड आई गॉट सेलेक्टेड। क्योंकि वकार ने उस वक्त भी बोला था कि टीम का हमेशा से ये रहा है कि उस टाइम पे दैट वाज वन ऑफ द मोस्ट वॉच शोज, आज भी खैर देखा जाता है वो ड्यूरिंग रमजान और वो यूट्यूब पे, लेकिन उस टाइम पे सोचे जब रमजान ट्रांसमिशंस नहीं आई थी, उस टाइम पे जब जीतो पाकिस्तान नहीं था और कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं थी जो लोगों को एंगेज करके रखे, की फॉलोइंग ऐसी थी कि आई कैन कम्पीट with any of the mega stars right now. ये competitors की बता रहा हूँ। ये हाँ, उस वक्त जो show में आ जाते थे उनके लिए कहीं पर जाना मुश्किल हो जाता था। सारा होता था कि we used to go in malls and we used to bet with our friends कि अगर 10 लोगों ने आके तस्वीर नहीं खिंचवाई, I'll pay the bill for entire table. Really? Yeah. And एक mall हो, दूसरा mall हो, तीसरा mall हो, that crazy was the following. बारह लेकिन that was one part of the life जो कि मैं regret नहीं करता, उससे भी कुछ सीखने को ही मिला। नहीं, but why would you regret? Because here's the thing, like wasn't that your kind of like door to the opportunities, मतलब उसने दी या फिर पहले से ही बना हुआ था plan? मेरी सारी चीजें almost sorted थी उस वक्त भी, लेकिन हाँ इससे boost मुझे जरूर मिला। लेकिन इसके बाद ये हुआ कि we often got criticized, क्योंकि जब कोई बहुत ही चवल लोग आके मारते हैं उस शो के अंदर, so we are compared at the same level. आप सेम समझते हैं हर एक को ना कि ये भी वो, ये चाहे जहाँ मर्जी का पढ़ा लिखा बच्चा हो, जितनी मर्जी बातें करे, लेकिन अगर तुम्हारे सामने जो सबसे कोई ब्लंडर मारेगा ना, आपको उससे कंपेयर किया जाएगा, ये उस टाइम पे होता था। बहरहाल हमारा था वो अभी भी इंटरनेट पे है, लोग देखते हैं एंड एंजॉय करते हैं, एंड जो मैंने डेज कम्प्लीट किए थे वो शायद ही लोगों ने कम्प्लीट किए हुआ। What was your most like difficult day जो था? जो मेरा डेयर था जिसमें मुझे साथ में एक शायद मैथमेटिशियन चाहिए था, क्योंकि उसमें था कि मैथ्स की प्रॉब्लम वकार देता था एंड वो आपने सॉल्व करनी थी एक पार्टनर, दूसरे पार्टनर ने रहना है पानी के अंदर। आई डिसाइडेड कि मेरा थोड़ा स्टेमिना है, सो आई स्टे इनसाइड द वाटर, तो मैं कोई मिनट या मिनट एंड हाफ पानी के अंदर रहा। यूजली लोग वहां पे 10-15 सेकंड भी नहीं सस्टेन कर पाए, मुश्किल होता है। और उसने 1.5 मिनट के अंदर कोई 2 मैथ की प्रॉब्लम सॉल्व की होंगी, और वो यूजली टेबल्स थे जब मैं बाहर निकला, उसे टेबल भी नहीं 1.5 मिनट हुए यार, बढ़ गए। मुझे लगा टोटल मैं पहले 2-3 सॉल्व की होंगी मैथ की प्रॉब्लम 1.5 मिनट के अंदर। अबे जा यार, मतलब मैंने कहा डिफरेंशिएशन और वो इंटीग्रेशन है कि मैं बेसिक 47 माइनस 32 10 सेकंड में बंदा कर ले चीजें। एंड देन यू एंड वकार आर गुड फ्रेंड्स नाउ। इन फैक्ट वकार ने अभी मुझे बताया था, खैर अब मैं बात नहीं ज्यादा करना चाहूंगा, लेकिन जो पे वीडियो बनाई थी उस पे वकार वाज लाइक रियली हैप्पी एंड लाइक, लेकिन हम पर्सनल भी रियली अप्रिशिएट्स पीपल हु विद गुड कंटेंट एंड गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। ही इज अ जीनियस व्हेन इट कम्स टू लाइक सोशल मीडिया एंड हैविंग अ फ्यूचर फोरसाइट। अब ये लिविंग ऑन द एज का सीन हो गया, उसके बाद मैं पूछना चाहूंगा हाउ डिड यू गेट इनटू, बिकॉज़ आई नो यू आर अ मॉडल राइट एंड यू डू मॉडलिंग एंड देन उसके बाद आप होस्टिंग भी करते हो एंड यू मीट ऑल दीस पीपल, सो व्हाट गॉट यू इनटू मॉडलिंग? सो डिड समबडी टेल यू आपकी शक्ल सूरत अच्छी है, बॉडी वॉडी अच्छी है, मॉडलिंग ट्राई करो, या फिर खुद ही कभी ट्राई किया, या लिविंग ऑन द एज ने
में किसी ने रिकॉग्नाइज किया कि हाँ ये बंदा एड्स वगैरह में आ सकता है? पाकिस्तान में एक टैलेंट एजेंसी है सिट्रस, विच इज वन ऑफ द मोस्ट समझ लें कि ऑथेंटिक एड एजेंसी इन पाकिस्तान. उनसे थोड़ी सी इंटरेक्शन हुई ड्यूरिंग दिस टाइम एंड वहाँ पे ऑडिशन भी आई यूज टू बी वेरी हैवी. फिर आहिस्ता आहिस्ता रियलाइज हुआ कि वो आई लुक्ड एट यू व्हेन लिविंग ऑन द एज में यू वर लाइक अ हैवियर पर्सन बट व्हाट यू आर नाउ लाइक यू नो यू Like lean down, mashallah, gym mein karne wale lagta hai. Gym us waqt bhi karta tha, lekin gym mein hamesha ye ek cheez main dusro ko bhi bataun jo abhi dekh rahe hain, khud gym karte hain, aapko idea hoga. Gym ek certain time tak kaam karta hai, uske alawa aapki diet hoti hai jo ki bahut important hoti hai. Calorie deficit is the only way you can, Gym aur trainer bahut matter karte hain. So I was a very skinny guy and ye weight gain karna tha mujhe na. Mujhe jo instructor mile us time pe, unhone kaha workout to kar rahe ho? Maine kaha khaun kya? Unhone kaha jo samne aaye wo khao. Maine kaha weight gain karna hai. Ye skinny logo kehte hain ki jo aaye kha jo. बहुत गलत एडवाइस. फिर मैंने एक टाइम पे जो बीफ बर्गर्स खाने शुरू किया और जो पिज्जा खाने शुरू किया ना, तो उससे मुझे तो रियलाइज नहीं हुआ बल्क हो रहे थे. आपको नहीं पता आप मोटे हो रहे हैं, आपको लग रहा था आप कोई बिल्डर बन रहे हैं शायद. बिल्डर बन रहे हैं हाँ. लेकिन तो काफी देर में रियलाइज किया, उसको शेड करने में इतना टाइम लगा, इतना गेन करने में नहीं लगा था. एंड नाउ आई नो कि डाइट का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. इवन इफ आई एम नॉट वर्किंग आउट, आप डाइट से काफी हद तक अपनी बॉडी को मेंटेन कर ले. मैं यही करता हूँ, मतलब होता है ना कि जिस दिन आज मैंने वर्कआउट नहीं किया, जिम नहीं जा रहा क्योंकि बिजी विद स्केड्यूल, बट मुझे होता है कि यार आज खाना नहीं ज्यादा खाना, अपनी डाइट को कंट्रोल रखना है, तो वो आई थिंक यू कैन स्टिल मेंटेन. ऑफ कोर्स अब आप वर्कआउट भी नहीं कर रहे, उसके अलावा आप निहारियां भी फोड़ रहे हैं, उसके अलावा आप ये पाए शाये और चीजें खा रहे हैं, फिर आप गए. जो लोग पूछते हैं यार आप मेंटेन कैसे करते हैं, ये कोई गॉड गिफ्टेड इतने आराम से चीजें नहीं होती, आपने करना पड़ता है. ये आपने डाइट हेयर, अक्सर जैसे तुमसे लोग पूछते हैं कि मूसा हेयर के लिए कुछ बता दें, तो मूसा की डाइट भी है, वर्कआउट भी करता है. सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये एक बहुत ही जबरदस्त शैम्पू यूज कर लेगा तो जी वो बाल बड़े जबरदस्त हो जाएंगे. यू हैव टू सी दीस थिंग्स. और मैं लुक्स मैक्सिंग की बात करूंगा अभी ना, ज़ेर के साथ आगे ना, अभी हम चाय वाली जगह पे जाएंगे. मॉडलिंग की बात पे वापस आते हैं, तो उसका फिर कैसे सिट्रस की आप बात? सिट्रस में गए, सिट्रस में ऑडिशन दिया एंड वहां से थोड़े से कमर्शियल्स करने स्टार्ट किए, सेकंड लीड पे किए कुछ कमर्शियल एक दो, क्योंकि रेफरेंस था एंड मुझे टीवी कमर्शियल्स करने में बहुत मजा आता है, अभी भी आता है, लेकिन अब मेरा मेन फोकस जरा पॉडकास्ट की तरफ हो गया है. अब आई एम मोर फोकस्ड टुवर्ड्स द ब्रांड्स एज वेल, कि अगर कोई ब्रांड अप्रोच करता है, जैसे रिसेंटली अभी कोक के कमर्शियल का ऑडिशन हुआ था, लेकिन देन आई डिसाइडेड कि ड्यू टू ऑल ऑफ दीस थिंग्स हैपनिंग, तो उस टाइम पे नहीं करना चाहिए. रिसेंटली आई वॉज वन ऑफ द ब्रांड एम्बेसडर फॉर किया एज वेल, तो आई एक्चुअली एंजॉय दैट वन डे ऑफ एवरीथिंग दैट यू एक्सपीरियंस डूइंग अ कमर्शियल. वो ही ना एक आइडियाज डिस्कस हो रहे होते हैं, आपने इसमें बैठना है, ये करना है, फिर कॉस्ट्यूम होता है, ये वो चीज. इट्स प्रीटी फन फॉर मी. इट्स फन, कुछ लोगों के लिए बहुत इरिटेशन होती है. अच्छा, मेरे लिए जो मैनिक्विन वाली मॉडलिंग होती है वो कभी भी अपील नहीं की. आई हैव बीन अप्रोच्ड बाय डिफरेंट ब्रांड्स के जी आपने हमारे कपड़े पहन के मॉडलिंग कर दी है. आई फाइंड इट द मोस्ट टायरिंग जॉब. कभी कभार वो लोग पैसे ज्यादा दे रहे होते हैं कमर्शियल से ज्यादा. अच्छा, आपने जी मैनिक्विन बन के खड़े होना है. हाँ. और आपका कोई अपना वो नहीं है, आपने जी बस खड़ा होने पिक्चर लेनी है आपने. अब थोड़ा सा इंटरैक्टिव होता जा रहा है कि वीडियोस भी बन रही हैं आप आउटफिट जब आप पहनते हैं, लेकिन पहले 2015-16-17 में पिक्चर्स आई डिड फॉर जे डॉट एज वेल. जे डॉट तो गर्दन ही काट देता है. अच्छा, वो दिखा नहीं है. मैंने कहा आप मैनिक्विंस पे कर ले, आपको जरूरत ही नहीं है किसी इंसान की. बात तो सही है वैसे. उन्होंने वसीम अकरम के साथ शूट किया, उसको सिर्फ यहाँ तक शूट किया हुआ उन्होंने. मैंने कहा आपको लेने का फायदा क्या वसीम अकरम को भी. अब उनकी कोई शूरा कमेटी शायद बैठी है जो उन्होंने थोड़ा सा जी मर्दों के लिए अलाउ कर दिया है, खवातीन के लिए अभी भी मैनिक्विंस है. फिर तो आपको और बहुत टायरिंग है कि आप जो है कपड़े पहनेंगे फिर आप बैठ नहीं सकते क्योंकि उस पर क्रीस आ जाएगी. बहुत टीडियस जॉब मुझे लगती है. वाइल फॉर कमर्शियल यू हैव यू नो एन एडवांटेज कि आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं. If you are one of the lead, right now what I focus on, if any brand approaches me, I make sure that I am the lead. I decide कि जी brand अच्छा है, अच्छा उसमें क्या exposure है, message कैसा जा रहा है. That's pretty awesome, man. और मुझे नहीं पता था कि इतनी nitty gritty चीजें होती हैं, especially जब आप जो mannequin वाला जो scene होता है, जिसमें आप खड़े होते हो, आपके तो crease भी लग जाएगी, ये हो जाएगा, फिर आपको बोलते हैं रुके, दोबारा iron होंगे कपड़े, आप फिर पहनेंगे. और आपने for example commit किया, जब आप नए model होते हैं, तो आपसे lump sum deal होती है, कि जी 20 outfits आपने करने हैं. अच्छा, मेरे एक दोस्त ने बड़े जबरदस्त, तो इन्होंने मुझे इनवाइट किया एक शूट पे, मैंने 7 आउटफिट शूट किया, बाकी जो 13 आउटफिट्स हैं मैंने उसको दिया. मैंने कहा मैं जा रहा हूँ भाई, जो पैसे मुझे मिलने थे वो तुम रख लेना, लेकिन मुझे ये नहीं करना, 7वें आउटफिट पे मेरी बस हो चुकी है. अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के अंदर जो मॉडलिंग इंडस्ट्री है उसमें हमारे जो मेल मॉडल्स हैं दे आर वेरी गुड लुकिंग, बट दे हैव टू गो थ्रू दिस वेरी हार्ड डाइट प्लान्स एंड वर्कआउट्स एंड एवरीथिंग. मैं शायद इस तरह कर भी नहीं सकता, इस तरह का रूटीन मेंटेन, तो शायद मैं इस वजह से भी मॉडलिंग की तरफ नहीं हूँ. हेड्स ऑफ टू ऑल दीस मॉडल्स जो वो काम कर रहे हैं बहुत जबरदस्त कर
करें, लेकिन अगेन इट्स अ वेरी वेरी हार्ड जॉब. लगता है कि बंदा यार मॉडल है, इसकी तो जिंदगी में मजे चल रहे होंगे, ये वो फलाना है. हमारे कितने अच्छे दोस्त हैं, शहजाद नूर, ही वन ऑलमोस्ट 7 to 8 डिफरेंट अवार्ड्स जीते हैं टॉप मॉडल के. उसका आप फ्रिज खोलेंगे आपको लगेगा कोई बकरीद का फ्रिज है उसका, गोश्त के हवाले से नहीं, वो लगेगा आपको पूरा ग्रीन होता है उसका फ्रिज. अच्छा अच्छा, मतलब कि वो है ही होता ही कुछ नहीं है, मजे की चीज खाने वाली. दैट कुडंट बी मी, कुडंट बी मी. मैं तो सब चीजें खाता हूँ मॉडरेट अमाउंट के साथ जिसकी बात करेंगे, लेकिन फिर भी यार इट्स अ वेरी टायरिंग, इट्स अ फुल टाइम जॉब बेसिकली. तीन कप लाना बगैर गिरे हुए. मुझे भी रख लो यार शो में, एक बूंद नहीं गिरी है, चेक करो. बस आए मुंह में एक चमचा, उसके ऊपर नींबू और रख देना था. उल्टूना आगे पीछे. ये बैकग्राउंड के लिए थोड़ी माजूद खो, लेकिन अंकलों ने यहीं पे बात करनी है इस वक्त, तो एक्चुअली उर्दू भी समझते हैं. यार जरा इनकी ट्राई करो, होपफुली वैसी हो जैसी मैं लास्ट टाइम पी थी. मैंने पूछना था क्योंकि आजकल का ना बच्चे ये नया जमाना है, ठीक है, आई थिंक यू आर प्रीटी ओल्ड बट आई एम विद द यंग जनरेशन, जेन ज़ी का मैंने मिलेनियल है भाई, ये नहीं हमारे दर्द समझेंगे. लेकिन आजकल के बच्चों को बहुत ज्यादा होता है लुक्स मैक्सिंग का, और मैंने इस पर पूरी वीडियो भी बनाई थी कि यू नो इट कम्स डाउन टू ईच एंड एवरी डिटेल, राइट, कि मतलब अपने आप को, अपने बाल मेंटेन किस तरह रखने, अपनी हेल्थ, फेस, एवरीथिंग, स्किन केयर से लेके ड्रेसिंग, विच आई सी यू डू प्रीटी गुड ड्रेसिंग, राइट. मैंने जब भी आपसे मिला हूं, यू आर ऑलवेज ऑन पॉइंट. तो इसका क्या प्रोसेस है, मतलब क्या मॉडलिंग में या जो भी आपने थोड़ी सी की थी उसमें उन्होंने सिखाया था वो बस. अच्छा, एज सच मैंने कोई क्लासेस तो ली नहीं है मॉडलिंग की, लेकिन मुझे यूरोपियन फैशन काफी अपील करता है हमेशा. वी लिव इन यूनाइटेड स्टेट्स, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स के जो होते हैं ना कपड़े खुले खुले मैंने देखे हैं हमेशा से रहे. सेम आउटफिट जो है, सेम ब्रांड का आउटफिट यूएस में जो होगा वो खुला हुआ होगा, यूरोपियन होगा वो सारा टेपर्ड होगा. मिलान जो है फैशन कैपिटल है. यार मैं कहता हूँ लोग मेरे पे क्लाउनिंग करते हैं, कहते हैं तुम ज्यादा फिट वाले कपड़े पहन लो, तो खुले पहनो. खुले भी पहनते हैं. नहीं नहीं, खुले भी पहनते हैं, लेकिन इट ऑल डिपेंड्स कि अभी क्या ट्रेंड चल रहा है. थैंक यू. और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपके ऊपर क्या चीज अच्छी लग रही है, पहले तो ये फिगर आउट करें. एग्जैक्टली. अब आपको देख के मैं अगर फिटेड पहनने शुरू कर दूं, हो सकता है मेरी बॉडी उतनी अच्छी ना लगे जितनी शायद आपकी अच्छी लगती हो उन फिटेड क्लोथ में, तो मेरे लिए वो कपड़े नहीं है. कुछ लोग जो होते हैं वो थोड़े से बल्की होते हैं और वो थोड़े लूज कपड़े पहनते हैं, उनके ऊपर सूट करते हैं. तो पहले बॉडी टाइप देखें अपना, और बॉडी टाइप के ऊपर किस तरह का फैशन सूट करता है, अपने जैसे लोगों को आइडेंटिफाई करें. अब मुझे जो है, जो मेरी फिजिक से मिलते हुए लोग लगते हैं, मैं उनको फॉलो करता हूँ, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं उनकी मैं ड्रेस सेंस देखता हूँ, कलर कॉम्बिनेशन देखता हूँ, लगता है हाँ शायद ये सही लगेगा. अच्छा, ये अच्छी एडवाइस है वैसे, जो अपने फिजिक से मिलते जुलते लोग हैं ना उनको बंदा देखे, क्योंकि बंदा कहता है यार ये जो मतलब फिट फिजिक वाला ना फुली जैक्ड बंदा है, अब इसने जो चीज पहनी ना मैं पहनता हूँ, डजंट वर्क आउट. अब कोई आपको लगता है कि आपको किसी एक्टर से लोग मिलाते हैं तो उस एक्टर को देखें अगर आपको वाकई पसंद है. मेरा एक ट्रेनर है अनस शाहिद उसका नाम है, तो वो शाहिद कपूर को बड़ा फॉलो करता है. अच्छा. वो इतना फॉलो करता है शाहिद कपूर को कि अब वाकई में हमें उसकी जो फिजिक है, शक्ल है, वो शाहिद कपूर जैसी लगनी शुरू हो गई है. कि मतलब ही इज लिटरली बिकमिंग दैट पर्सन. क्लोन बन गया है उसका वो शाहिद कपूर का ना वो. तो इस वजह से होता है कि आपको किससे लगता है कि आपको मैच करता है बेसिकली. हां, दैट्स अ गुड फैशन एडवाइस. जो बंदा आपसे मैच करता है, कोई भी उसकी अपनी फिजिक मैच करती है, आप उसके फैशन सेंस को फॉलो कर सकते हैं, गिवन कि उसका फैशन सेंस अच्छा हो. और फैशन सेंस पे तो यार एक पूरी अलग वीडियो बन सकती है, बिकॉज़ देयर इज सो मच लिटिल डिटेल्स दैट गोस इनटू इट. आजकल जो हम काम कर रहे होते हैं, काफी हद तक आपको भी देखा होगा आपने कि जब आप किसी से बात कर रहे होते हैं, इफ यू आर ड्रेस्ड वेल, इफ यू आर टॉकिंग गुड, तो लोग आपको सीरियसली लेते हैं. 100% या ठीक है, आपकी क्वालिफिकेशन चीजें बाद में आती हैं, ऑफ कोर्स वो मैटर करती है, लेकिन इनिशियली तो लोगों को नहीं पता ना. लोग जो बोलते हैं जी मैं नेचर देखता हूँ, आप पहली मीटिंग में तो नेचर का आइडिया नहीं लगा सकते किसी का, आप उसको लिटरली जज करेंगे उसकी ओवरऑल अपीयरेंस से एंड द वे हाउ दे टॉक. सेकंडली, जिस तरह मैं जज करता हूँ या मैं लोगों को बोलता हूँ कि अगर आप किसी से मिले नहीं है, जस्ट स्क्रॉल देयर सोशल मीडिया. आप उनका सोशल मीडिया स्क्रॉल करेंगे तो आपको एक परसेप्शन आ जाएगा कि कौन कैसा लगता है, कौन कैसी किसकी पर्सनैलिटी है, किस तरह की पोस्ट कोई शेयर करता है, उसकी पॉलिटिकल इंक्लिनेशन किस तरफ है. बट अगेन, लेट्स से सोशल मीडिया ये सारी चीजें नहीं है, देन ऑब्वियसली द फर्स्ट 10 सेकंड यू सी द पर्सन, यू वी ऑल मेक जजमेंट्स, राइट. ह्यूमन, वो कहते ना मैं जज नहीं करता, वो बकवास करते हैं सारे. एवरीबॉडी जजेस, एंड दैट्स अ बिटर ट्रुथ. अब जैसे मैं कोई नॉर्मल अगर टी शर्ट भी कैरी कर रहा होता हूँ, या कभी कभार आप उसके ऊपर जैकेट ले लेते हैं, तुम क्यों कहीं शादी में जा रहे हो, मॉडलिंग में जा रहे हो, या आप ही के दोस्त कभी कभार कह रहे होते हैं, एंड फिर बाद में उनको देखता हूँ कि उन्होंने भी अपना फैशन जो सेंस है वो अपस्किल कर लिया ओवर टाइम. ये तो होता है वैसे. जो लोग तुम्हें ये कहते हैं ना, बातें सुनाते हैं, तुम्हें जेलस होते तुमसे, नोटिस करना तुम्हें कॉपी करना शुरू हो जाएंगे थोड़ा थोड़ा. एक ट्रेट होती है वैसे.
बाकी अब क्लोथिंग सेट की अगर बात करें हम, ये मतलब कि अपने आप को मेंटेन रखना, यू नो, मतलब कि हाउ ओल्ड आर यू? I'm 30. 30, okay. 30, 25. So he's 5 years older than me. And at the age of 30, he looks like younger than me. तो किस तरह मतलब आप इनको मेंटेन रखते हो, मतलब डाइट कैसी है? आई मीन एवरी टाइम वी मेट वी आर ऑलवेज ईटिंग आउट. हम ये मतलब यानी लास्ट टाइम हम लदम स्टेक हाउस में स्टेक है, लेकिन हम स्टेक खा रहे थे. ये चीज भी बताने जरूरी है, हम बिरयानी या कोरमे नहीं खा रहे थे. हां ये बात, हम मीट खा रहे थे जो कि वेल कुक्ड मीट थी और उसके ऊपर कोई तेल वेल नहीं डला हुआ था. वो बिल्कुल एक, और साइड्स भी हमने इस तरह की ली थी जिसमें वो कोई चावल या कोई हैवी चीज नहीं, वो नहीं थे, सैलड्स वगैरह थी इस तरह की. तो हमें अगर कोई चीज मोटा करेगी तो वो सॉसेस ही होंगे जो उस वक्त वो मीठे थे, बाकी इट वाज ऑल हेल्दी. हाँ तो ये छोटी छोटी चीजें ना आपने देखनी होती है ना अपने आप को मेंटेन. फिर वही बात आ जाती है कि और ये भी डिसाइड करना है कि आपने उससे पहले स्टेक कितने दिन पहले खाया था. क्या आप बीफ की इनटेक आपकी एवरी डे की इतनी ही थी, मटन की बीफ की इनटेक? ये मैं नहीं देखता. यार मैं पठान हूँ, सॉरी यार, मुझे गोश्त नजर आता ना, आई सी गोश्त आई अटैक. अच्छा, मेरे जितने भी अच्छे दोस्त बने ना वो सब पठान है, सारे पठान है. एंड आई लव द वे हाउ दे कुक एंड जिस तरह वो खा रहे होते हैं. हम भी गोश्त खा रहे होते हैं जो पाकिस्तानी या कराची के या उर्दू स्पीकिंग लोग हैं, लेकिन हमारी गोश्त की इनटेक सही नहीं है. हम उसको सालन में यूज़ कर रहे होते हैं, हम उसको बिरयानियों में डाल रहे होते हैं. जो एक पठान गोश्त खाता है ना वो उसको सही उसके ओरिजिनल टेस्ट के अंदर बनाता है यार. 100% उनको ना एक आर्ट पता है उसकी, उसके फैट में उसको पकाएंगे. अब आप भगवानी तक के अगर देखो, ठीक है, वो क्या होता है, सिर्फ नमक डाला होता है उसके ऊपर. एंड लाइक इट जस्ट टेस्ट लाइक हेवन, हेवन, लाइक देयर इज नथिंग बेटर. जहाँ पे भी आप खाने जाओ ना, इवन ऑन योर डेज ऑफ, राइट, यू हैव टू बी सेंसिबल इनफ. ठीक है, अभी हम ये ब्रेड खा रहे हैं ना, तो मैं आगे जो डिनर करूंगा ना उसमें मेरे दिमाग में होगा कि यार मैंने, लेट्स से मैं पिज्जे खाने जा रहा हूँ, तो मैंने 2-3 स्लाइसेस से ज्यादा नहीं खाने होते. अब वो आपको कैमरे पे लग रहा होता है कि मैं ना वो फाड़ के ओए होए होए कर रहा होता, नहीं मैं पीछे से मैं इतना नहीं खा रहा होता, लेकिन लोगों को पता ही नहीं चला, लोगों को लगता है मैं ठूस ही जाता हूँ बैठ के. उसके बारे में आप किस तरह करते हो? यार खाने का एज सच जब पाकिस्तान में होता हूँ तो कोई मसला नहीं होता. पाकिस्तान में आप ट्रेनिंग सही कह रहे होते हैं, एंड पाकिस्तान में मेरे दो खाने हर के लिए मुश्किल होता है. मैं एक ही खाना एज फार एज के वो रीहीट ना हुआ मैं बार बार खा सकता हूँ. एवरी डे मैं इंडोर्स नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं एवरी डे सब्वे खाता हूँ दोपहर में. रियली? पाकिस्तान में एवरी डे सब्वे आफ्टर द वर्कआउट. लेकिन वो तो आप उसको हेल्दी बनवा सकते हो वहाँ पे सैंडविच, यू गेट अ होल व्हीट ब्रेड, उसके अंदर चिकन डालो, ग्रिल चिकन डालो. और इवन अगर नहीं भी हो तो आप वर्कआउट इतना इंटेंस कर लेते हैं. मैं इतना इंटेंसली जो है फॉलो नहीं करता हूँ डाइट रिजीम को या रूटीन को, लेकिन हाँ मुझे पता है नैंडोज अगर मैं रात में खाऊंगा या सब्वे अगर मैं दोपहर में खाऊंगा तो सेट रहेगी चीज ना, सेट रहेगी. और अच्छा कपड़े सही लगेंगे और शक्ल सही आएगी. इस तरह नहीं है कि मैं जी बिल्कुल बनाना डाइट पे चला जाऊंगा एक दफा, कीटो पे चला जाऊंगा या बिल्कुल ही नो शुगर थर्सडेज. 100%. अच्छा इसमें ये भी होता है, हम ना जिस तरह देसी एनवायरनमेंट में बड़े हुए ना, मैंने पहले बात की थी कभी, बट इट्स लाइक हमारा ना एक बचपन से बना होता कि नाश्ता भी फाड़ के करते थे स्कूल से आके, लंच भी फाड़ के करते थे, और फिर रात को नई हांडी बनती थी, वो भी हर चीज नान के साथ, कोक के साथ, चीजों के साथ, राइट. लेकिन अब एक आप इस पॉइंट पे पहुंच जाते हो कि आई डोंट नो फॉर यू बट फॉर मी लाइक अगर मैंने दोपहर में भी हैवी खा लिया ना, इसका मतलब मेरा डिनर खत्म है, डिनर में खा ही नहीं रहा. कभी कभार होता है, लेकिन कुछ चीजें आप वैसे यूटिलाइज कर लेते हैं, हल्का फुल्का आपने कुछ ले लिया. एज यू नो दैट दिस इज अ ग्रोइंग एज एंड इस टाइम पे बॉडी को बहुत ज्यादा जो है न्यूट्रिएंट्स की, फूड की जरूरत होती है, जो उस टाइम पे होता है, नशोनुमा की जरूरत है, नशोनुमा की जरूरत है. तो उसको कितना लगता भी नहीं. हां तो अभी भी इवन यू आर क्वाइट यंग, या इफ वी आर गोइंग टू यूटिलाइज, 25 यार, आई एम 5 इयर्स अवे फ्रॉम बीइंग 30 मैन. तो इस टाइम पे आप भी, आपको जरूरत है खाने की, अभी से आप खाना मत रोके, वरना आपको 50s 60s में यही वाला खाना जरूरत पड़ेगी उसकी. ऐसे बात ही है, वैसे अभी से मैंने अपना खाना मजे का रोक दिया ना, 50s 60s में मैं खा नहीं पाऊंगा, तो देन आई विल रिग्रेट कि यार मैंने मजे की चीजें नहीं खाई, लेकिन लंबा रह लूंगा, यू नो, एवरेज बंदे से वो भी नहीं, लेकिन फिर फायदा नहीं है ना, आपके आसपास के दोस्त कोई होंगे नहीं, 80-90 में आप अकेले घूम रहे होंगे, आप बोलेंगे यार वो भी नहीं है, वो भी नहीं है. कोई नहीं, मेरी ऑडियंस बदलती जाएगी यूट्यूब की, उनसे मिल लूंगा. नागिन बन जाओगे तुम, नागिन बन जाओगे. जो ऑडियंस में आप लोग में से कोई फड़क जाएंगे ना 50-60 साल में, तो कोई नहीं, अगली जनरेशन आ जाएगी ना, उनसे इंटरेक्ट कर लेंगे. कोशिश है हमारी लंबे रहने की, लेकिन जेनेटिक्स यार डजंट से दैट, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि देसी जेनेटिक्स जो है ना वो 60 साल के बाद होने लग जाते हैं. वो एक अलग बात है, हम अमेरिका में रह रहे हैं. मैं भी कुछ पाकिस्तानी ड्रामास देख रहा था, बहुत पुराने ड्रामा, एक मेरे यूट्यूब पे ऐसी सजेशन आया, उसमें जो 30s के लोग दिखाते थे उनको गंजा दिखाया हुआ है, उनके बाल सफेद दिखाए हैं. अमेरिका के जो शोज थे यार, वो हाई स्कूल के, याद है स्पाइडरमैन जो पहली आई थी, उसमें हाई स्कूल के बच्चे देखे हमारे भी बाप लग रहे होते हैं. अब तुम हाई स्कूल के बच्चे देखो तो यार वो तो लगता है प्यूबर्टी हिट ही नहीं की उन्होंने अभी. अच्छा व्हेन आई वाज इन माय 9th स्टैंडर्ड या 10th क्लास में जब मैं था, तो हमारे जो सीनियर्स थे ना, पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, वो फुल अनिल कपूर वाले चेस्ट हेयर, रिवीलिंग, और ये पता नहीं वो अपनी एज से बड़े थे या पहले पीछे से माल, जिसे कहते हैं ना पीछे से माल अच्छा आ रहा था, कुछ था उनमें यार, ऐसी बात है. और जाइगेंटिक मेरे भाई भी जो है ना, मेरे से एक भाई मेरे से 9 साल बड़ा, एक 8 साल बड़ा है, जब वो ए लेवल्स वगैरह में थे ना,
तो मुझे लगता था यार मे बी ये परसेप्शन की बात है, लेकिन वो मुझे बहुत बड़े अपनी एज से लगते थे और मैंने उनकी पिक्चर्स भी देखी ना, दे हैड दैट लुक दैट व्हेन आई वाज इन ए लेवल्स आई नेवर हैड. So I don't know, maybe it was the diet, yeah. or maybe I don't know, testosterone पहले ज़्यादा था बच्चों में, अब कम हो गया. लेकिन एक बात बताऊँ, Gen Z is waking up, तो Gen Z में वापस वो चीज़ आ रही है क्योंकि बहुत awareness आ गई Gen Z के बच्चों में. Not shitting on millennials of course, but I'm just saying के बच्चे you know ये testosterone बढ़ाने के तरीके, gym ज़्यादा जाना शुरू हो गया, gym ज़्यादा जाने कर रहे हैं, अपनी diet पे ज़्यादा अच्छा focus कर रहे हैं. लेकिन अगेन वही बात आ जाती है, अमेरिका में रहते ना, अमेरिकन डाइट इज ऑल्सो नॉट द मोस्ट ऑप्टिमल. पाकिस्तान में जाता हूँ ना मैं, खाना ज्यादा भी खाता हूँ पाकिस्तान में, मैं इतना मोटा नहीं होता. यहाँ पे मैं थोड़ा सा ये दो तीन ब्रेडे खा लूंगा ना, टांग चर्बी चढ़ना शुरू हो जाएगी. अच्छा, एक और चीज है, पाकिस्तान में इवन कराची लाहौर का खाने में भी डिफरेंस है. मैं इस्लामाबाद में या लाहौर में जब कोई चीज खाता हूँ, एक तो भूख ज्यादा लग रही होती है और वो इस तरह बॉडी को लग नहीं रहा होता. मेरे लिए मस्ट है, मैं जब इस्लामाबाद या लाहौर में होता हूँ, मैं नाश्ते में पराठा खाता हूँ. मैं कराची में कभी भी नहीं खाता पराठे, मैं खाते ही नहीं हूँ पराठे. होटल में रुका हुआ होता हूँ वहाँ पे, सारे जबरदस्त होटल्स हैं लाहौर के, तो नाश्ते इतने जबरदस्त हैं. यहाँ पे मैंने कहा ये तीन जन्म लगेंगे यूनाइटेड स्टेट्स के होटल्स को जो है उस तरह का नाश्ता सोचने के लिए, रखने के लिए नहीं. एवरेज वो नाश्ता जो होता है ना वहाँ का, वो यहाँ का पूरा. मेरे ख्याल डिनर में भी वो चीज सर्व नहीं हो सकती, नहीं हो सकती. एक आप पीसी लाहौर का अगर आप नाश्ता देख लें, सरीना इस्लामाबाद का नाश्ता अगर आप देख लें, दैट इज नो मैच. गोश्त कीमे से लेके पराठे से लेके क्या ये नाश्ता है, यार नाश्ता है. बंदा उठते ही ना इतना खा ले कि वो दिन वापस सोने चला जाए, वापस सोने चला जाए. सही बात है, यू कैन नॉट, आई कैन नॉट. यार मैंने तो ना पिछले एक साल से वो यहाँ पे प्रोटीन पैनकेक मिलते हैं, उसका रुझान अभी पाकिस्तान में नहीं आया, लेकिन दैट्स द बेस्ट थिंग मैन. लेकिन आई डोंट नो कि वो हेल्दी है कि नहीं है, लेकिन भाई इतने पैनकेक में खा लेता हूँ, 400 कैलोरीज होती है उसके अंदर सारी. अच्छा नहीं, बट आपको ये भी है ना, अगर सुबह यूटिलाइज कर रहे हो तो यू हैव एन एंटायर डे टू डाइजेस्ट, वो आप कर सकते हैं. ये कर सकते हैं. अब आप रात को सोने से पहले, मेरे एक दोस्त हैं, उनकी जो वाइफ्स हैं, जब वो फिट होने शुरू होते हैं, रात में चिप्स ला ला के दे रही होती हैं, क्या कर रहे हो यार? आई स्वेयर यार, खा लो, कुछ नहीं होता. आज मैं कह रही कि चूहे लग रहे हो तुम. मैं कह रहा था मैं रेडी होके प्रिंस बन के अंदर से निकला हूँ, चिकने जूते ड्रेस पैंट, कह रही हूँ स्किनी चूहे लग रहे हो तुम. मैं यार फिर वो बार बार ऑफर भी करती है, लो आइसक्रीम खा लो, ये खा लो, वो खा लो. वन थिंग आई हैव नोटिस अबाउट वुमेन, नेवर लिसन टू व्हाट दे से, listen to what they do actions, because they like you for what you are, right? They like you for what yeah, they jo unhone tumhe dekha tha to main us pe pasand karte hain. Unki na ek natural inclination hoti hai that I have noticed, they want to change you. Acha, kuch cases mein bahut extreme situations hoti hai jisme, jaise main example bata raha hu, usme wo zabardasti chips khila rahi hoti hai raat mein 11 baje. Wo 11 baje aloo ki chips khayega, wo kab hazam karega us cheez ko na? Sahi baat. Aur wo bechara treadmill kar raha hai, kya kyun treadmill kar rahe ho, kya zarurat pad gayi treadmill karne ki? Aur wo khud uski wife jo hai wo gym bhi jati hai, wo proper workout भी कर रही होती है, वो कह रही मेरे लिए जरूरी है. Some women has insecurities as well, क्योंकि they tend to age earlier as well. तो उनको शायद लगता है कि कुछ अरसे बाद मैं कहीं इसकी बड़ी बहन या अम्मा लगने ना शुरू हो जाऊं. Women, this is one of the insecurities what I have heard from women. It's like their number one asset, right? Like beauty, and I agree with in that regard, right? लेकिन पाकिस्तान में ना फिर यही होता है कि मर्द बेचारा ना ज्यादा ही कोई ओल्ड लगने लग जाते हैं, और औरत ना ज्यादा ही, वो ना एक एज डिस्पैरिटी बड़ी ज्यादा आ जाती है. तो मैं तो इसलिए मर्दों को कहता हूँ, शादी शुदा भी अपने आप को यार फिट रखा करो, सीन गुड रखा करो यार. बिकॉज इसमें ये मतलब नहीं है कि अगर आप अपने आप को फिट रख रहे हैं तो आपने किसी को जी छेड़ना है या आपने किसी को सेट करना है. दैट्स नॉट द केस, इट्स फॉर योर ओन सेल्फ. यू या आई, ऐसी फीलिंग अच्छी नहीं आती जब आप अपने बॉडी आपकी अच्छी दिखने लग जाती है आफ्टर अ वर्कआउट वगैरह, अपने आपको शीशे में देखते हुए फील कॉन्फिडेंट. और जब रिजल्ट योर वाइफ लुक्स एट यू डिफरेंटली, आई प्रॉमिस यू. आप जब देखा भी होगा आपने वर्कआउट के बाद जब रिजल्ट्स आने शुरू होते हैं, तब आपका और ज्यादा मूड बनता है वर्कआउट करने का या खाना खाने का, या जो आपका कोई कॉम्प्लीमेंट करता है. दैट्स अ ह्यूमन नेचर. Yeah, it's not about other people. It is about other people. I'm not gonna lie. I do it for looks, for like other people. But mainly, जो अपने आप को एक feeling आती है ना देख के, यार ये मैं ही हूँ. ऋतिक रोशन, वो एक फीलिंग मजे की होती है, वो मजा आता है. We should head to our next location. हाँ, करें ताकि वहाँ पे हम location पे set wait भी करें, हमारी team ready करेगी. पहले drop करके फिर dinner वाला scene करते हैं. पहले dinner कर लेते हैं, फिर देखते हैं. ये आपके लिए तो एक flash से गुजर जाएगा, ये check करो तो. Boys and girls scene ये कि अभी ना हम आए हुए कवाली पे. कवाली पे मैं आपको पहले भी बहुत दफा लाया हूँ, लेकिन यहाँ पे ना हमें अंदर की सीटिंग मिली क्योंकि कल क्रिकेट का गेम है. तो बहुत से लोग ना दूसरे दूसरे शहरों से आए हुए इस वक्त, तो लौंडा पार्टी भरी हुई है यहाँ पे और बहुत रश लगा हुआ है. कोशिश कर रहे हैं कि हमारी आवाज क्लियर है. ट्रिक क्या प्ले किया तुमने अभी? हाँ, वो तुमने प्ले किया. मैंने नहीं, 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 नहीं. अच्छा, कवाली वाले ना कहते हैं ना प्री ऑर्डर करना था, बिकॉज़ वी वर इन अ हरी. हमने कहा हम ना ऑनलाइन ऑर्डर करेंगे ना, हम ऑनलाइन ऑर्डर नहीं लेते. मैंने कहा अच्छा टू गो ऑर्डर कर लेते हैं. हम टू गो ऑर्डर लेने आए ना, तो कह रहे आपको ऑर्डर रेडी हो गया. हमने कहा आप इधर सर्व कर दो.
उसने खुद वैसे बोला गया, दैट वाज गुड, दैट वाज गुड। बॉयज एंड गर्ल्स हमने ऑर्डर कर ली है, अब वो लग रहा है उनको तब चढ़ गया। तो ना खाना पीछे लेके क्योंकि सारे उस पे थूके फेंक रहे होंगे बारी बारी। तू ही फेंक तू। मूसा की इतनी फैन फॉलोइंग है यहाँ पे। इस रेस्टोरेंट में आते ही जो है जो सर्वर्स हैं, जो खवातीन हैं, वो इतनी एक्साइटेड होगी, मैंने उनकी आंखों में चमक देखी मूसा को देख के। नहीं, जहर भाई को लाया था कि हमारा कोई परमानेंट ऐसा कस्टमर आ गया है कि जिसकी वजह से शायद बाकी रश हो रहा है हमारे यहाँ। मेरे पास है इस वक्त क्लब सैंडविच, ठीक है, यही इनकी सबसे टॉप आइटम है। आई मीन मैं नीरे ने दिया एंड माय फूड शवरमा फूड, या इट वाज शवरमा विद एक्स्ट्रा चिकन, दे आर राइट देयर। व्हाट इज दिस? नो शवरमा चिकन बोटी, नो राइस, ओनली चिकन बोटी विद रैप और समथिंग। इतने चावल में पूरे साल में नहीं खाते, इतने उसने एक प्लेट में दे दिया। हाँ भाई, बॉयज एंड गर्ल्स सीन ये है कि अभी हम खा के फारिग हुए थे और सीन ये था कि अभी हमने पॉडकास्ट करना था, लेकिन क्या इशू हुआ हमारा। अच्छा, इस तरह की सिचुएशंस आती रहती हैं, तो अभी सिचुएशन ये हुई कि एम्बेसडर साहब जो हैं वो वहाँ पे पहुंचे इवेंट के अंदर, एंड ऑलरेडी हमारे जो अमेरिकन एम्बेसडर हैं, अमेरिकन एम्बेसडर टू पाकिस्तान डोनाल्ड ब्लूम, उनकी फ्लाइट डिले हो गई, जिसकी वजह से इवेंट जो है वो 9 बजे शुरू हुआ। एज यू नो कि हमने सेटअप वगैरह सब किया हुआ था, दिखाते भी वो अभी पैकअप कर रहा हमारा बंदा, लेकिन आपको सेटअप दिखाते हैं। तो हुआ क्या, उनका गला खराब हो गया, उनका बेसिकली वहाँ पे गला खराब हो गया। एक तो फ्लाइट डिले थी उनकी, और वहाँ पे कोई शायद माइक का आई गेस कुछ इशू था, तो उन्होंने बहुत लाउड होके बोलना पड़ा है। ये उनकी टीम ने अभी हमें कन्वे किया, अभी काउंसिल जनरल का फोन अभी आया हुआ था हमारे पास, आफ्ताब साहब का मैच भी है एंड उसकी भी प्रिपरेशंस हैं, तो इस वजह से हम इसको रैप कर रहे हैं। स्टूडियो हमने इसी वजह से नहीं लिया था क्योंकि वी वर नॉट श्योर, टीम का एक बंदा पैक कर रहा है, एक बंदा हमारा कहीं और है रैपिंग इट अप, और सीन ये कि यूजुअली दिस इज व्हाट गोज ऑन इन दिस पॉडकास्ट, ये सारी सेटिंग होती है। इनफैक्ट जब तुम पाकिस्तान करते हो तो हैवी फिर सीन होता है ना। फिर तो पाकिस्तान में ये होता है कि टीम पहले से लाइनअप करके रखती है चीजें, सो आई जस्ट यूजुअली गो देयर, सिट डाउन विद माय स्क्रिप्ट, देख लेता हूँ उसमें क्या करना है। मेहनत दोनों जगहों पे उतनी है, कंटेंट क्रिएशन में कोऑर्डिनेशन सबसे मुश्किल चीज होती है। हाँ, देन कंटेंट प्रोडक्शन, ये सारी चीजें एक साथ करनी होती है। वैसे एक बात बताऊं, पॉडकास्ट के मसला भी होता है, अगर आप ना सारे सेटअप में ही लग जाओगे ना, बंदे के दिमाग से बात ही निकल जाती क्या करना है। हाँ, हाँ, बिल्कुल। अब देखो ना, बंदा इंपॉर्टेंट, इसलिए मैं पॉइंटर्स बनाता हूँ। मुझे अक्सर आता है, अरे आपके पास स्क्रिप्ट होती है तो ऑफकोर्स आपको पॉइंटर्स की जरूरत होती है। ऑब्वियसली यार, बंदे के दिमाग कितनी कैपेसिटी रखी है। अभी तुमने जैसे फॉर एग्जांपल मेरे साथ सारी वीडियो रिकॉर्ड की है, अभी उनके साथ तुमने बैठ के बात करनी थी, दस चीजें चल रही होती बंदे के दिमाग तो में। आपको एक पॉइंटर चाहिए होते हैं, बुलेट पॉइंट्स जिसे कहते हैं आप। ये नहीं है कि उसमें कोई ऐसी चीज लिखी हुई है, वो आप अपने हिसाब से उनसे क्वेश्चंस कह रहे होते हैं। कल सेंस, क्योंकि हमारा जो मैच है वहां पे वो आएंगे, हो सके कोशिश करूंगा कि अगर उनसे मेरी डेफिनेटली डेफिनेटली, क्योंकि कल वो लाजमी आ रहे हैं, इसी वजह से डलेस आए मैच देखने के लिए। मैच देखने के लिए, सो आई माइट बी रिकॉर्डिंग पॉडकास्ट एट दैट टाइम, तो मैं उनकी टीम से आपको कनेक्ट करूंगा ताकि आप उनके साथ कुछ चीज जरूर रिकॉर्ड करें। एंड आई होप उनका गला कल बेहतर हो, थोड़ा सा ठीक है। तो बॉयज एंड गर्ल्स व्लॉग को फिर यहाँ पे एंड करते हैं। अगेन सॉरी आप लोगों को दिखा नहीं पाए, बट कोई नहीं, आपको पूरा दिन उज़ैर के साथ हमने दिखाया है। ये बंदा यार बिजी रहता है पॉडकास्टिंग में, मतलब मुश्किल काम है बड़ा, मतलब एक के साथ कोऑर्डिनेट करना, दूसरे के साथ करना, बट यू हैव टू डू इट क्योंकि लोग स्केड्यूल डिफरेंट होते हैं। एब्सोल्युटली, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू बॉय मूसा खाना एंड उज़ैर मैक्सिम डिजिटल। हम उसको दोबारा ले आएंगे, अभी हमारा बॉय बन गया उज़ैर, तो ये आता रहेगा ठीक है। और नेक्स्ट टाइम इनसे हम नेटवर्किंग की बात ज्यादा डीप भी करेंगे, क्या कहेंगे वो कुछ हम जो है नेक्स्ट के लिए रखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हाउ इंपॉर्टेंट इज नेटवर्किंग, योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। यस यस यस। तो वो अगली दफा उज़ैर से, और मैंने खुद भी इनसे अभी कुछ पॉइंटर्स लिए चीजों के बारे में कि किस तरह करनी है। अब आपको मूसा भी एटीट्यूड में नजर आएंगे, मैंने पॉइंटर्स दे दिए मूसा को। अब मैंने इतने हम्बल नहीं नजर आएंगे आपको मूसा। अब मैं कम हम्बल हो जाऊंगा, तुम लोग बस रेडी हो जाओ। बट एनीवेज बॉयज एंड गर्ल्स, इंस्टाग्राम के भी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, सो डोंट फॉरगेट टू फॉलो अस देयर। वी विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट व्लॉग इंशाल्लाह। आई विल, बट मे बी उज़ैर।